नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल कलयुग YouTube चैनल में। आज ही हमारे पास जेन सोलर कंपनी का 100 वॉट का सोलर पैनल, और अभी दोस्तों मौसम चल रहा है दोस्तों सर्दी का, और सर्दी के मौसम के साथ साथ अभी हो रही है दोस्तों बरसात भी हो रही है। सर्दी के मौसम में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे बादल भी छाए हुए हैं आसमान में, और सूरज भी यहाँ पर नहीं निकला है, मतलब धूप भी अभी यहाँ पर नहीं निकली है, और हर तरफ यहाँ पर पानी पानी और बारिश का मौसम अभी यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हो हमारे पास जेन सोलर कंपनी का 100 वॉट का और 12 वोल्ट में सोलर पैनल है। आज हम इस सोलर पैनल के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि दोस्तों सर्दी के मौसम में हमारे सोलर पैनल कितने वोल्टेज और कितने एम्पियर हमारे निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारे पास 100 वोल्ट का सोलर पैनल है, तो अभी दोस्तों ये सर्दी के मौसम में कितने वोल्ट और कितने वोल्ट और कितने एम्पियर अभी यहाँ पर जनरेट कर रहा है, ये हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इस सोलर पैनल के सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर यहाँ पर सबसे पहले इसके पीछे यहाँ पर रेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम पावर यहाँ पर लिखा हुआ 100 वोल्ट की पावर दोस्तों, ये मतलब हमारा जो सोलर पैनल है वो 100 वोल्ट का है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर 12.5 वोल्टेज है, मतलब इसका जो ओपन सर्किट तब रहता है तब इसके वोल्टेज यहाँ पर 12.5 वोल्ट रहते हैं। उसके आगे यहाँ पर देख सकते हो सोर्स सर्किट करंट अब यहाँ पर 5.30 एम्पीयर, मतलब इसके जो एम्पीयर रहेंगे दोस्तों 5.30 एम्पीयर यहाँ पर रहेंगे। तो दोस्तों आज भी हमारे पास यहाँ पर ज्यादा धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं, तो अभी हम देखने वाले हैं कि इसके वोल्टेज और एम्पीयर को मेजर करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में कितने अभी वोल्टेज और एम्पीयर जनरेट कर रहा है इसी के रिलेटेड में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये सोलर पैनल को हम यहाँ पर थोड़ा ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर रख देते हैं। इसकी दो वायर्स यहाँ पर निकली हुई है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दो वायर आई हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पास है एक मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर के साथ साथ यहाँ पर एक वोल्टेज यहाँ पर छोटा सा हमारे वोल्टेज नापने का छोटा सा यहाँ पर डिस्प्ले भी रखी हुई है, छोटे सा भी इसको वोल्टमीटर भी बोल सकते हो, ये भी है। दोनों के माध्यम से हम वोल्टेज चेक करेंगे और फिर इसके एम्पियर यहाँ पर एम्पियर सोर्स सर्किट एम्पियर यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस डिजिटल वोल्टमीटर की सहायता से हम इसके वोल्टेज नापने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पैनल को यहाँ पर रख दिया है दोस्तों धूप में, क्योंकि अभी धूप तो निकली नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में, और इसके वोल्टेज को यहाँ पर मेजर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इसके वोल्टेज अभी यहाँ पर आ रहे हैं, 12.4 वोल्टेज अभी यहाँ पर निकल रहे हैं। हमने दोस्तों जैसे कि सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन में देखा था तो इसके 12.5 यहाँ पर वोल्टेज दिखे, तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर 12.5 थे, अभी यहाँ पर निकल रहा है 12.4 वोल्टेज अभी यहाँ पर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर इसको दोस्तों हम चेक करेंगे, इसको मल्टीमीटर के द्वारा भी हम यहाँ पर वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज पर यहाँ पर सेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 200 वोल्ट डीसी पर यहाँ पर सेट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 20 से ज्यादा वोल्टेज मिलने वाले हैं, तो इसको हमें 200 से 200 की रेंज पर यहाँ पर सेट करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को यहाँ पर नेगेटिव पर हम यहाँ पर डालेंगे। इस रेड कलर की प्रोब को यहाँ पर वोल्टेज वाले इस सॉकेट में यहाँ पर लगा देंगे। फिर दोस्तों हम यहाँ पर इसके वोल्टेज यहाँ पर मेजर करते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो 21.3 वोल्टेज अभी हमारा मल्टीमीटर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर के वोल्टेज को ही मानेंगे, क्योंकि अभी हम डिजिटल डिस्प्ले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे मल्टीमीटर के वोल्टेज को हम यहाँ पर मेजर कर मतलब मानेंगे, और तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीमीटर के वोल्टेज को यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे जो मल्टीमीटर में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे वोल्टेज यहाँ पर है 21.3 वोल्टेज हमारे सोलर पैनल के यहाँ पर अभी वोल्टेज निकल रहे हैं। अब वोल्टेज के साथ साथ हम यहाँ पर आएंगे इसके एम्पियर, कितने एम्पियर अभी ये जनरेट कर रहा है। तो हम मल्टीमीटर में हम इसको एम्पियर वाले 10 एम्पियर पर हम इसको सेट कर देंगे, 10 एम्पियर पर हमने इसको सेट कर दिया है, और इस रेड प्रोब को हम यहाँ पर 10 एम्पियर मैक्सिमम पर यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद हम इसके एम्पियर को देखने वाले हैं कि कितने एम्पियर अभी ये जनरेट कर रहा है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में यहाँ पर लगा के देखते हैं। इसको हम शॉर्ट सर्किट एम्पियर यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हो 0.84 एम्पियर अभी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं हमारे सोलर पैनल के द्वारा, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे एम्पियर अभी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं 0.84 एम्पियर। दोस्तों ये देख सकते हो ये हमारे वोल्टेजेस हैं और ये हमारे एम्पियर अभी यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, इससे हम हमारे वोल्ट को भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमने ठंड के मौसम में हमने हमारे सोलर पैनल के वोल्टेज हमने अभी निकाले, तो 21.3 वोल्टेज निकले और एम्पियर की बात करें तो 0.84 एम्पियर निकले। तो वोल्ट निकालने के लिए हमें वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पियर करना पड़ेगा, तो हमारे वोल्टेज और एम्पियर का हमने यहाँ पर आपस में गुणा कर दिया है। तो अभी हमारे जो सोलर पैनल 100 वोल्ट का सोलर पैनल अभी यहाँ पर 17.89 वोल्ट अभी यहाँ पर जनरेट कर रहा है, जो हमारा 100 वोल्ट का सोलर पैनल अभी यहाँ पर 17.89 वोल्ट ही जनरेट कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर सर्दी का मौसम है और सर्दी के
मौसम में इसकी जो एफिशिएंसी जो हमारी इसकी क्षमता है वो गिर गई है। मतलब अभी ये 100 वाट का सोलर पैनल अभी यहाँ पर मतलब 17 वोल्ट ही अभी यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको बताने का कि दोस्तों ठंड के मौसम में कितना वोट अभी हमारा सोलर पैनल जनरेट कर रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई है, मिनिमम धूप निकली हुई है, बादल छाए हुए हैं और ठंड का मौसम है। तो मैं आपको यही बताने वाला था कि अभी हमारे सोलर पैनल ठंड के मौसम में कितना वोट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, इस इलेक्ट्रिकल कलयुग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।